प्रेस क्लब सोलन द्वारा हिनर पंचायत के गोड़ा में एक निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। MMU मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगाए गए इस शिविर में सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि प्रेस क्लब का गोड़ा में शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य सोलन, सिरमौर व शिमला के लोगों को मुफ्त चिकित्सा मुहैया करवाना था, क्योंकि गोड़ा सोलन सिरमौर व शिमला जिला के सीमा पर है, जिसके कारण यहां तीनों जिलों के नजदीकी पंचायतों के करीब 400 लोगों ने यहां पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस दौरान जहां लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, वहीं शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाएं भी दी गई। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रेस क्लब के द्वारा करवाए गए फ्री मेडिकल कैंप की सराहना करते हुए कहा कि क्लब का ये प्रयास काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रेस के बंधुओं का अधिक बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इस तरह के कैंप आयोजित करना एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं प्रेस क्लब सोलन को बधाई देता हूँ। आज हिनर पंचायत के गौड़ा में प्रेस क्लब सोलन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र सुरेश कश्यप जी ने शिरकत की। और अभी 12 बजे तक लगभग 200 से अधिक मरीज जो हैं वो अपना स्वास्थ्य जांच करवा चुके हैं, जिसमें आंखों की जाँच भी हुई है, बच्चों के विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं और मेडिसिन विशेषज्ञ भी हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। और हमें उम्मीद है कि शाम तक लगभग 500 से 700 मरीजों का जो है स्वास्थ्य यहाँ पर जांचा जाएगा। प्रेस क्लब पहले भी इस तरह के कार्य करता आ रहा है और भविष्य में भी जो है प्रेस क्लब इसे सामाजिक दायित्व समझकर ऐसे कार्यों में अपना योगदान देता रहेगा। जिला कांगड़ा विधानसभा फतेहपुर के एक युवक नीरज शर्मा, जो किसी फार्मा कंपनी में ऊंचे ओहदे पर तैनात थे, उनकी शादी पठानकोट की रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की अलका शर्मा से बड़ी धूमधाम से हुई। अलका भी ससुराल में आकर एक बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह खुशी खुशी रहने लगी। कुछ सालों बाद इस दंपत्ति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सारा घर खुशियों से भर गया। पुत्र प्राप्ति के बाद अलका पूरी तरह से बेटे की देखभाल व लालन पोषण में बड़ी तमन्ना से जुट गई। पूरा घर खुशियों से भरा पूरा था, लेकिन बेटे को संसार में आए कुछ समय ही हुआ कि एक दिन अचानक अलका को पता चलता है कि उसका बेटा सामान्य नहीं है, बल्कि वो दिव्यांग है और खुद कुछ भी करने में असमर्थ है। बेटे आयन के इलाज के लिए नीरज ने जमीन आसमान एक कर दिया, परंतु वो ठीक ना हो सका। अब अलका दिन रात बेटे की देखभाल करने लगी और उसे लेकर चिंतित रहने लगी। एक रात जब अलका का बेटा गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे और खुद को जहर देकर ये सब खत्म ही कर दूं। अलका ने अभी ये निर्णय लिया ही था कि अचानक आयन रोने लगा और फिर पता नहीं अलका के मन में क्या आया और उससे उसी दिन से एक प्रण ले लिया कि हम तो साधन संपन्न लोग हैं और आयन जैसे बच्चे को ठीक से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास अपने ऐसे बच्चों को पालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो अलका ने उसी क्षण ये तय कर लिया कि वे प्रदेश में जितने भी इस तरह के बच्चे हैं वो उनकी देखभाल करेगी और उनका समय समय पर होने वाला इलाज भी करवाएगी। उसने ये बात अपने पति नीरज को बताई। नीरज अलका की बात से एकदम सहमत हो गया, लेकिन दिक्कत इस काम में बहुत पैसे वो बिल्डिंग की जरूरत थी, तो इतना पैसा नीरज कहाँ से जुटा पाता। लेकिन अलका की जिद के आगे उसे अब ये करना था, तो दोनों ने अपने माता पिता की सलाह से अपने घर की ऊपर वाली मंजिल को ऐसे बच्चों के आश्रम में तब्दील कर दिया, जिसमें नीरज ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और अलका ने एंजल दिव्यांग अनाथ आश्रम नाम से शुरुआत कर दी। दोस्तों, अलका का हौसला और ऐसे बच्चों के प्रति प्यार वो दुलार देखते ही बनता है। देखते देखते अलका के पास लगभग 63 बच्चों का एक ऐसा समूह हो गया जो किसी न किसी तरह से दिव्यांग है। अलका अपने बेटे आयन के साथ साथ बाकी सभी बच्चों का पालन पोषण ठीक वैसे ही करती थी जैसे वो अपने आयन को करती थी।
आज अलका ने कई तरह के प्रोफेशनल लोगों को आश्रम में सहयोग के लिए रखा है, जिनमें कोई डॉक्टर तो कोई अन्य काम देखने वाले लोग। अलका के इस आश्रम की साफ सफाई भी व्यवस्था देखती ही बनती है। आज तक लगभग सभी आश्रमों में गया हूँ हिमाचल के, पर जो व्यवस्था अलका ने अपने बनाए आश्रम में की है वो कहीं और मैंने नहीं देखी। अलका आज खुश है। हालांकि इतने बड़े लेवल पर आश्रम को चलाने के लिए फंड की जरूरत है तो वो नीरज अपनी सारी खूबसूरत व्यवस्था के साथ चला सकती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और प्रत्यक्ष सामने था। आज अलका सच में एक नहीं बल्कि कई दिव्यांग बच्चों की माँ है और वो ममता उसके चेहरे से साफ साफ झलकती है।